हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। तो वाजपेयी को अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, नेता तो हाथ से डरता हूं। अभी अपने अभ्यर्थी के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। आज गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु घंटाल की जरूरत है। जब आपको गंदवट करें बाद अब्बा मुलाइजा होशियार, ऐसा होने वाला नहीं है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। রানীগঞ্জের কুমোরবাজার গোয়ালাপাড়া 90 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এদিন দেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মর্যাদার সঙ্গে জন্মদিন পালন করলেন। এবছর 94তম জন্মদিন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর। এলাকার বিজেপি পার্টি অফিস চত্বরে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে জন্মদিন পালন করেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির আসানসোল জেলা সহ সভাপতি সভাপতি সিং বলেন, ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী শুধু দেশেই নয় সারা বিশ্ব জুড়ে তার খ্যাতি। তার কর্মকাণ্ডকে এবার বুথ লেভেলে দলের প্রতিটি কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। ভারত রত্ন সে সম্মানিত অটলজি কে জন্মদিন কে উপলক্ষ মে ইহ পুরে দেশ মে কার্যক্রম হো রাহা হ্যায় আর ইনকে বিষয় মে হাম লোগ বোলনে মে অসমর্থ হ্যায়। সির্ফ এক লাইন হাম লোগ বোলনা চাহতে হ্যায়, भारत में कांग्रेस के विरोध अगर कोई सत्ता हासिल करने का विपक्ष को जो अधिकार जो केंद्र में स्थापित हुआ, तो यह पहला नाम जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में जाता है। पब्लिक टाइम्स।